एबीपी न्यूज़ के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस विभाग की हरी झंडी के बाद अब औरंगाबाद में होगी राज ठाकरे की सभा। तेजी के साथ चल रही है सभा की तैयारी। बारातियों को लेकर जा रही बस उमरेड के मकर धोकड़ा में पलटी, 35 घायल। और नागपुर के पुलिस भवन निमंत्रण पत्रिका में फडणवीस का नाम काफी नीचे। महाविकास आघाड़ी द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य, भाजपा ने जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस विभाग द्वारा राज ठाकरे की सभा को हरी झंडी मिलने के बाद अब रैली की तैयारियां शुरू हुई, साथ ही भव्य मंडप की तैयारियां भी शुरू हो गई है। मनसे के वरिष्ठ नेता दिलीप धोत्रे ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में 1,00,000 से अधिक नागरिक शामिल होंगे। मैदान में महिलाओं के बैठने की जगह और बुजुर्गों के लिए विशेष बैठने की जगह है। उन्होंने बताया कि सभा पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए नियम व शर्तों के अनुसार होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वरिष्ठ नेता आज सुबह से ही बैठक की तैयारी कर रहे हैं और हजारों कार्यकर्ता इसके लिए काम कर रहे हैं। बैठक में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मनसे द्वारा कहा गया है। तैयारी बदल का अड़चण नहीं, प्रचंड मोटा प्रमाण उत्साह है। निश्चितपणे आमचं उद्यापर्यंत हे सगळे वासपीठ आणि सगळं जी पूर्ण आमची सभेच्या ठिकाणची सगळी तयारी होऊन जाईल, काही अडचण नाही। या सभेला 1,00,000 जनसमुदाय येणार आहे, त्यामुळं ही सभा प्रचंड मोठी आणि रेकॉर्ड ब्रेक होणार आहे। सर, 1,00,000 जनसमुदाय येणार आहे, पण त्यांच्या वाहनाची पार्किंग वगैरे काही व्यवस्था सगळी व्यवस्था केलेली आहे। पार्किंगची व्यवस्था काय आम्ही स्पॉट ठरवलेत 5-6 ठिकाणी, त्या त्या ठिकाणी पार्किंगची देखील व्यवस्था केली आहे। पोलीस प्रशासनाने आम्हाला ज्या ज्या ठिकाणी पार्किंगची जागा देतील त्या त्या ठिकाणी पार्किंग केलं जाईल। आवाजाचे काही मर्यादा ठेवण्यास सांगितलेलं आहे आणि तेवढ्या आवाजामध्ये ऐकू सुद्धा येणार नाही। उद्या आता सभेच्या वेळेस कळेल आपल्याला काय शर्ती अटी दिल्या, काही सांगू शकता का सर? त्यांनी अटी दिलेल्या आहेत, त्या अटींचं आम्ही जास्तीत जास्त पालन करण्याचा प्रयत्न करू। निश्चितपणे पोलीस प्रशासनाला आम्ही या ठिकाणी सहकार्य करू। भंडारा के एसडीओ रविंद्र राठौड़ पर हमला कर उन्हें घायल करने वाले रेत तस्करों को पकड़ने के लिए एक पुलिस दल बनाया गया था, किंतु इस दल में शामिल पुलिस वालों के उन रेत तस्करों के साथ ढाबे पर पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीकेबी न्यूज ने भी कल ये मामला सामने लाया था। अब इनमें दिख रहे 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। कल वीकेबी न्यूज द्वारा एक खबर के माध्यम से पुलिस वालों को ढाबे पर खाना खाते हुए वायरल वीडियो दिखाया गया था। वीडियो में पवनी थाने के कार्यरत हवलदार ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि तुमसर थाने में तैनाती के दौरान अनेक आरोपियों के नाम उड़ाए हैं। ये तो मामूली बात है। ये पार्टी उमरेड के पास एक ढाबे पर बुधवार को दोपहर के बाद होने की जानकारी है। बता दें कि एसडीओ राठौड़ पर बुधवार को तड़के 3:30 बजे रेत तस्करों ने जानलेवा हमला किया था। इसके बाद आरोपियों की तलाश के लिए पवनी थाने से पुलिस दल रवाना किए गए थे, लेकिन उनमें से एक दल के सदस्य ही रेत तस्करों के साथ पार्टी करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इसमें ढाबे पर चल रही पार्टी में पुलिसकर्मी कह रहा है कि हम किस तरह मदद करते हैं ये तो आपको पता ही है। वो पुलिस वाला आईजी तक का नाम लेते हुए वीडियो में नजर आ रहा है। इस पार्टी में पुलिस कर्मियों के साथ कुछ आरोपी भी दिखाई दे रहे हैं। एसडीओ रविंद्र राठौड़ पर हमला करने के मामले में गुरुवार की दोपहर को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें राजू मोंगरे, धर्मा नखाते और राहुल काटेखाय का समावेश है। एसडीओ पर हमला मामले में आरोपियों की तलाश के लिए रवाना पुलिस कर्मियों की रेत तस्करों के साथ पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद 3 पुलिस कर्मियों को आज तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वीडियो वायरल होने से पुलिस की छवि मलिन होने पर पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव ने वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिस हवलदार दिलीप धावड़े, पुलिस सिपाही खुशांत कोचे और पुलिस सिपाही राजेंद्र लांबट को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उन्हें रोल कॉल पर पुलिस मुख्यालय में उपस्थित रहने के आदेश पुलिस अधीक्षक ने दिए हैं। वायरल वीडियो की जांच पवनी की उपविभागीय पुलिस अधिकारी रीना जनबंधु कर रही है। नागपुर में भव्य पुलिस भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, मगर इसमें भी राजनीति गरमाती हुई दिख रही है। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस भवन के निर्माण के लिए 118 करोड़ रुपए आवंटित करवाए गए थे। अब इस भवन के उद्घाटन पत्रिका में उनका नाम सही जगह नहीं छापा गया है और ये उनका अपमान है, ऐसी प्रतिक्रिया भाजपा प्रदेश सचिव एडवोकेट धर्मपाल मिश्रा ने दी है। मार्च 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सन्माननीय नामदार देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आणि प्रयत्नाने नागपूर शहरामध्ये कधी नव्हे अशा पद्धतीचं एक पोलीस भवन
110 करोड़ रुपये किमतीच आणि 4 एकरच्या विस्तीर्ण जागेमध्ये करण्याचा भूमिपूजन सन्मान्य देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी केला आणि आता त्याचं विधिवत उद्घाटन होत आहे। नामदार देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून नागपूर शहरात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात जी अनेक विकास कामे झालेली आहेत त्याचा लोकार्पण आत्ताचं महाविकास आघाडी सरकार करत आहे आणि टिमटिमी मिरत आहे की हे बघा महाविकास आघाडी सरकारने हे काम केलेली आहे। मला हे सगळं करताना आश्चर्य वाटतं की ज्यांच्या प्रयत्नातून आणि ज्यांनी उभ्या केलेल्या निधीतून या पोलीस भवनाचं उद्घाटन होत आहे त्यांचं जे नाव आहे ते छोट्या अक्षरामध्ये कुठेतरी उपस्थितांमध्ये दाखवण्यात आलेलं आहे। ही या महाविकास आघाडी सरकारच्या डोक्याची नापिकी आहे, हा त्यांनी मांडलेला द्वेष आहे, हा त्यांनी केलेला अपमान आहे। या महाविकास आघाडी सरकारची मी घोर आणि कठोर शब्दात निंदा करतो आणि यांना चेतवू इच्छितो की याच पद्धतीने यांनी समृद्धी महामार्गाचं लोकार्पण करण्याचा प्रयत्न केला, काय झालं त्याचं? याच पद्धतीने त्यांनी वाशिम पर्यंतचा समृद्धी महामार्ग त्याच्या उद्घाटनाचं काय झालं, त्याच्या लोकार्पणाचं काय झालं, ही सगळी माननीय नामदार देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांची ब्रेन चाइल्ड आहे। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद छोड़ दिया है। कमलनाथ ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। अपने ताजा ट्वीट में उन्होंने डॉक्टर गोविंद सिंह को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की नियुक्ति पर उन्हें बधाई देता हूँ और नेतृत्व का आभार मानता हूँ। उम्मीद करता हूं कि वे नई जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और कमलनाथ राज्य से सीएम बने थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी में टूट हो गई। कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनाई। टायर फूट जाने से अनियंत्रित हुई बस पलट गई, इस पे सवार 35 बाराती जख्मी हो गए। हादसा गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे उमरेट तहसील के मकर धोकड़ा स्थित दत्त मंदिर परिसर में हुआ है। हिंगना तहसील के मांडवा मारवाड़ी गांव से बस क्रमांक MH31CQ1787 भिवापुर तहसील के वनी नान जा रही थी,
बस में करीब 40 महिला बाराती सवार थी। हादसे के बाद बस के कांच तोड़कर महिलाओं को बाहर निकाला गया। गंभीर जख्मियों को इलाज के लिए नागपुर भेजा गया है। आज सुबह शांतिनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत प्रेमनगर में आपसी विवाद में सुमित नामक व्यक्ति को किसी ने चाकू से मारने की घटना सामने आई है। जख्मी की हालत बहुत नाजुक है तथा उसे मेयो अस्पताल ले जाया गया है। घटना के बाद दो आरोपियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक आरोपी अभी भी फरार है। दोनों पक्ष आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इस घटना के बाद पुलिस विभाग विशेष एहतियात बरत रहा है। आज नागपुर में कई बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है, इसी वजह से पुलिस विभाग पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। नागपुर के इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक अज्ञात शव मिलने की घटना सामने आई है। ये शव उंडखाना रोड पर एक बंद इमारत में जली हुई अवस्था में मिला है। इमारत वर्धा निवासी सचिन अग्निहोत्री के स्वामित्व में है और 20 वर्षों से बंद है। इस मामले की जांच करने पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है। ये पता चला है कि शरीर एक आदमी का है। नागपुर में दिन ब दिन शव मिलने से शहरवासियों की चिंता बढ़ गई है और पुलिस भी चिंतित है। स्टेशन में इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है, पेट्रोलियम मॉल के सामने में बीमा का दवाखाना यहाँ पर होगा। हम तुरंत यहाँ पर आ गए। आने के बाद में हमने देखे यहाँ पर एक बॉडी मिली है, जली हुई बॉडी मिली, थोड़ी डिकम्पोज है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, पुरुष की बॉडी है, देखते हैं क्या होता है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चले। ये जो प्रॉपर्टी है किसकी है और ये पुराना कोई ऐसा खंडर टाइप का बिल्डिंग है, किसका मालिक है, क्या कुछ हमें अभी जानकारी मिली है फिलहाल में। तो जूना बीमा का दवाखाना था बोलते हैं उसका, कोई पटेल का 20 साल से बंद है। अभी कोई किसी ने लिया है वो जानकारी मिलने के बाद बता सकते किसने लिया करके। वीकेबी न्यूज के लिए रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान। तो वीकेबी मॉर्निंग बुलेटिन में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।